तो स्वागत है भाई आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं यहां पर आईपीएल के इस सीजन का 45वां मैच जो कि खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस भाई पंजाब किंग्स के बीच में। तो भाई इस वीडियो में आपको इस मैच से रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगी, जो भी भाई आपको फाइनल टीम होगी, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। साथ ही भाई आईपीएल का फेज टू हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा जा रहा है। लकीली हम यहाँ पर इजिली यहाँ पर सारे मैचेज विन कर रहे हैं, चाहे बात करें हेड टू हेड मैच की, दो तीन चार मेंबर के मैच की, या फिर भाई यहां पर बात करें ग्रैंड लीग की, तो ग्रैंड लीग में भी भाई हमारे सब्सक्राइबर की काफी अच्छी यहां पर रैंक आने लग रही है। लगातार भाई मेरे को इंस्टाग्राम पर अपडेट मिलती रहती है और लगातार भाई लोग अपने प्यार दिखाते रहते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ शेयर करते रहते हैं और वो स्क्रीनशॉट भाई मैं टेलीग्राम पर भी शेयर करता हूं। तो भाई मैच हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहां पर भाई हम इस मैच में भी जैकपॉट विनिंग का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो भाई वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट एंड तक देख लेना क्योंकि जैकपॉट विनिंग के हिसाब से भाई मैंने यहां पर सारे स्टैट्स निकाले, सारी मेहनत की है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देख लेना। साथ ही भाई चैनल पर आ गए हो, वीडियो अगर प्ले कर लिया है तो यार वीडियो को लाइक भी कर दो क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आगे जाके और ज्यादा अच्छी मेहनत करके अच्छे से आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। और जो भाई चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। साथ ही साथ भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि इस मैच की अब मान लो वीडियो बनाने के बाद जो भी अपडेट आएगी सब मैं आपको टेलीग्राम पर बताने वाला हूं। मान लो अभी मैच स्टार्ट होने में 24 घंटे हैं तो 24 घंटे से पहले ये मान लो कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया या कुछ और, मान लो जो भी अपडेट आएगी सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। साथ ही भाई टॉस के बाद जो फाइनल अपडेट होती है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। अगर हम हमारी फाइनल टीम में एक दो चेंजेस करते हैं तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा। मान लो सब कुछ आपको टेलीग्राम पर ईजिली मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो 1.9 के हमारे फैमिली कंप्लीट हो चुकी है टेलीग्राम पर, तो जल्दी से आ जाओ यार 2000 कंप्लीट करवा दो। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना क्योंकि यहां पर आपको फाइनल अपडेट मिलेगी। साथ ही भाई फाइनल टीम यहां पर दो तीन चार मेंबर की मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा अपडेट के साथ, ठीक है। यहां पर आप बात करते हैं भाई पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट से पहले भाई डेट एंड टाइमिंग मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 1 अक्टूबर को यानी कि कल ये मैच खेला जाएगा। इंडियन टाइमिंग के हिसाब से भाई शाम को 7:30 बजे मैच है। और बात करें वेन्यू की तो भाई दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रहने वाला है। अब भाई बात करें यहाँ पर दुबई की पिच की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो फास्ट बॉलर है उनके लिए हेल्प है, लेकिन भाई वो अगर बीच बीच में स्लोअर वंस का इस्तेमाल करते हैं ऐसे बॉलर्स आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होंगे। तो ये अब आपको देखना है कि कौन से बॉलर स्लोअर वंस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपको वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी, तब मैं आपको सारी चीज़ें जैसे जैसे हम मान लो प्लेयर्स के स्टैट्स पर पहुँचेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये वाला बॉलर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये बैट्समैन आपके लिए ड्रॉप करने लायक है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको 3 प्लेयर ऐसे बताऊंगा जिन्हें आप बिल्कुल ड्रॉप करके चल सकते हो, साथ ही 3 प्लेयर आपको मैं ऐसे बताऊंगा जिन्हें आप अपनी टीम में ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। तो सारी अपडेट आपको मिल जाएगी, लेकिन यार वीडियो को कंप्लीट देख लेना क्योंकि अगर आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हो तो यार ये बात तो आपने सुनी होगी, आधा अधूरा ज्ञान अज्ञानी से भी ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो यार आधा अधूरा मत लेना, ज्ञान लेने आए हो तो भाई पूरा लेना, ठीक है। यहां पर अगर बात करें पिच की तो भाई पिच स्लो होती जा रही है, जैसे जैसे इस पर मैचेज हो रहे हैं तो और ज्यादा स्लो होती जा रही है। तो यहां पर स्पिनर्स का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो यहां पर स्पिनर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही जो मिस्ट्री स्पिनर है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करें यहां पर दुबई की पिच की तो आप देख सकते हो टोटल भाई यहां पर 94 मैचेस खेले गए हैं। बात करें फर्स्ट इनिंग की तो यहां पर भाई 39 मैचेस फर्स्ट इनिंग पर फर्स्ट बैट करने वाली टीम ने विन किए और भाई 55 मैचेस यहां पर सेकंड बैटिंग वाली टीम ने विन किए हैं। एवरेज स्कोर की बात करें तो 150 से 170 के बीच में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल जाएगा। साथ ही बात करें अगर आईपीएल के पिछले सीजन की यानी कि 2020 में जो यूएई में आईपीएल हुआ था, अगर वहां पर बात करें दुबई में मैचेस खेले गए थे 27 जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 17 विन किए थे और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 10 विन किए थे। तो भाई ये आप देख सकते हो। बात करें स्कोरिंग पैटर्न की तो यहां पर आप देख सकते हो 150 से नीचे का स्कोर आपको 33 बार देखने को मिला। बात करें 150 से 170 के स्कोर की तो 30 बार आपको ये देखने को मिला है। बात करें 170 से 190 के बीच के स्कोर की तो 21 बार भाई आपको ये देखने को मिला है और 190 से ऊपर का स्कोर आपको 10 बार देखने को मिला है, ठीक है। 190 से ऊपर यानी कि 195 200 प्लस जितना भी है भाई वो सब आपको 10 बार देखने को मिला है। अब यहाँ पर कंपेरिजन करते भाई विकेट पेसर्स को कितने मिले स्पिनर्स को, तो आप देख सकते हो 196 विकेट यहाँ पर पेसर्स ने इजिली निकाले हैं
और आप देख सकते हो स्पिनर्स को सिर्फ 95 विकेट मिले, लेकिन जो इस बार की पिच है ना भाई, इसमें यहाँ पर स्पिनर्स का रोल पेसर्स के बराबर है और भाई यहाँ पर स्पिनर्स भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर अपना मतलब अपनी फॉर्म को दिखा के अच्छी विकेट निकाल रहे हैं और भाई जो क्वालिटी स्पिनर है वो तो यहाँ पर काफ़ी कारगर साबित तो होता जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पिनर्स का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात करें दोनों ही टीम्स के बीच जो हेड टू हेड मैचेज खेले गए हैं तो वो भी आप देख सकते हो, टोटल अभी तक कोलकाता वर्सेज पंजाब के बीच 28 मैचेज खेले गए जिसमें से 19 बार यहाँ पर डबल से भी एक मैच ज़्यादा केकेआर ने विन किया है और भाई सिर्फ 9 बार यहाँ पर पंजाब की टीम जीत पाई है। तो भाई पलड़ा काफ़ी भारी है, ये चीज़ आप देख लेना। बात करें अगर यहाँ पर पंजाब किंग्स के लास्ट मैच की प्लेइंग 11 प्लस परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, केएल राहुल भाई सब ये बताए क्या, आधे लोग आएंगे रिस्क की जो रिस्क लेंगे, लेकिन भाई रिस्क कहाँ पे लेना है कहाँ पे नहीं लेना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर केएल राहुल के ऊपर रिस्क मत लेना इस मैच में, मेरी मानो तो बिल्कुल रिस्क मत लेना। ग्रैंड लीग में रिस्क ले लेना, स्मॉल लीग में आप इसे ट्राई करो और कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ, क्योंकि लगातार 2 से 3 मैचेज हो चुके हैं जिसमें केएल राहुल का बड़ा स्कोर नहीं बना है, तो ये आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दे सकता है, तो आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे मान लो पिछले 2-3 मैचेज में जब मैंने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए तो उनमें से 70% ऐसे लोग हैं जिन्होंने भाई केएल राहुल को या तो वॉइस कैप्टन बनाया या फिर कुछ ना कैप्टन बनाया ना वॉइस कैप्टन बनाया, तो 70% लोग ऐसे हैं। और भाई मैं इस मैच में केएल राहुल को कैप्टन जरूर ट्राई करूंगा, कैप्टन या फिर वॉइस कैप्टन तो करूंगा ही करूंगा, तो ये मैं आपको भी एडवाइस दूंगा कि आप इसे कैप्टन या वॉइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। साथ ही भाई बात करें मनदीप सिंह की, तो मनदीप सिंह ने भाई दूसरा मैच खेला, मतलब पहला मैच खेला और दूसरा मैच शायद ये आपको खेलते नजर आए, क्योंकि मेरे को जो अभी अपडेट मिली है उसके हिसाब से भाई मयंक अग्रवाल अभी तक पूरी तरह से फिट नहीं है। अगर वो कल तक फिट हो जाते हैं तो भाई मयंक अग्रवाल यहाँ पर खेलते नजर आएंगे, और यहाँ पर भाई मयंक अग्रवाल खेलेंगे तो मनदीप सिंह को बाहर बैठना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर क्रिस गेल की, तो क्रिस गेल ने 1 रन बनाया और भाई क्रिस गेल की एज अब मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गई है और भाई अब इनके चलने के मतलब चांसेस कम होते जा रहे हैं, तो भाई आप इन्हें सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हो ईजिली। यहाँ पर गेल का नाम बढ़ा है तो भाई जो नए मेंबर मतलब नए जो भी प्लेयर फैंटेसी फील्ड से जुड़ते हैं वो भाई यहाँ पर आपको गेल के साथ आते दिखेंगे, लेकिन भाई गेल के चांसेस ज़्यादा है कि फ्लॉप हो सकता है, भाई यहाँ पर रन मार जाए लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि गेल फ्लॉप हो जाएगा। मार्करम को आप जरूर ट्राई करना, कैप्टन या वॉइस कैप्टन भी आप इसे ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में भी ग्रैंड लीग में भी। गेल को भाई आपको ड्रॉप करना है, पहला प्लेयर हमारा ये हो गया। और बात करें ग्रैंड लीग में, तो ग्रैंड लीग में आप केएल राहुल को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बात करें निकोलस पूरन की, तो निकोलस पूरन को आपको कैप्टन वॉइस कैप्टन ट्राई करना है ग्रैंड लीग में, क्योंकि अगर ये मेरे को लगता है कि शायद इसे चांस मिलेगा, अगर एक चांस और मिलता है तो आप यहां पर निकोलस पूरन को ट्राई कर सकते हो, एक टीम में आप कैप्टन जरूर बना देना ग्रैंड लीग की में, क्योंकि यहां पर ही आपको परफॉर्मेंस देके जा सकता है, लगातार फ्लॉप हो रहा है, इससे पहले सीपीएल में काफी अच्छी फॉर्म में था, तो भाई हो सकता है पिच अगर समझ में आ जाए तो यह आपको काफी अच्छी बैटिंग करके दे सकता है, तो ग्रैंड लीग में आप ट्राई करना, स्मॉल लीग में रिस्क लेने की कोशिश मत करना। बात करें यहां पर दीपक हुड्डा की, तो दीपक हुड्डा भाई बॉलिंग तो करा नहीं रहा और बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे हो गया, पहले भाई यहां पर 4 नंबर पर आता था, अब भाई ये 6 नंबर पर आ रहा है, तो इसीलिए बैटिंग काफी नीचे है, तो इसको आप ट्राई ना करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। हरप्रीत बरार को भाई आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि भाई मैं आपको बता रहा हूं स्पिनर्स का रोल यहां पर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ग्रैंड लीग में, मतलब टीम में नहीं, टीम में तो ट्राई करना ही करना है, साथ ही वॉइस कैप्टन भी आप एक मैच में इसे ट्राई कर सकते हो। साथ ही भाई बात करें यहां पर नाथन इलिस की, तो इसको आप ग्रैंड लीग में भी ट्राई करो और स्मॉल लीग में भी ट्राई करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई यहाँ पर, जो ये स्लोअर वन डालता है, यॉर्कर डालता है, काफ़ी खतरनाक बॉलिंग करवाता है, फास्ट बॉलर, लेफ्ट हैंडेड, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने वाला है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। बात करें ऐसे मोहम्मद शमी की, तो मोहम्मद शमी ने यहाँ पर 1 विकेट निकाला, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, आप मोहम्मद शमी को स्मॉल लीग में ड्रॉप करके चल सकते हो, क्योंकि आपने मतलब बहुत कम देखा होगा कि मोहम्मद शमी स्लोअर वन एक्सपर्ट है, स्लोअर वन भाई या तो बुमराह अच्छी डालता इंडियन टीम में या फिर भाई भुवनेश्वर कुमार, यानी कि दोनों बीबी हमारे काफी अच्छे मतलब स्लोअर वन स्पेशलिस्ट है, जबकि यहां पर शमी भाई स्विंग पर थोड़ा ज्यादा यकीन करता है और अपनी मतलब लाइन लेंथ पर यकीन करता है, बाकी भाई स्लोअर वन काफी कम डालता है, हो सकता है भाई फिर भी ये विकेट ले जाए, लेकिन ये अगर आप रिस्क लेने वाले प्लेयर हो तो ये भाई आप रिस्क ले सकते हो, स्मॉल लीग में आप मोहम्मद शमी को ड्रॉप कर देना, ये मान लो कि अगर ये नहीं चला ना तो आप सारे के सारे कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, क्योंकि गारंटी मेरी आपके हर ओपोनेंट की टीम में आपको मोहम्मद शमी देखने को मिलेगा
एक या दो को छोड़ दें जो आपकी तरह रिस्क लेके आ सकते हैं। यहाँ पर रवि बिश्नोई को आप टीम में ट्राई करना, ग्रैंड लीग में आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में आप इसे एज ए प्लेयर लेना। अर्षदीप सिंह को आप ट्राई कर लेना क्योंकि लगातार एक दो मैसेज में इसे विकेट नहीं मिले और लोग अब इसे ड्रॉप करके मोहम्मद शमी और यहाँ पर रवि बिश्नोई या फिर मोहम्मद शमी और नाथन इलिस के साथ जा रहे हैं। अर्षदीप सिंह को लोग ड्रॉप कर रहे हैं, आप इसे ट्राई करने का रिस्क ले सकते हो। बात करें यहाँ पर केकेआर के लास्ट मैच की प्लेइंग 11 प्लस परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर शुभमन गिल भाई हमारा लास्ट मैच में वॉइस कैप्टन था और हमें काफी अच्छे पॉइंट देखे गए, एक दो कैचेस पकड़े थे, साथ ही भाई 30 रन भी बना दिए, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है और भाई इसको ट्राई कर सकते हो। वेंकटेश अय्यर भाई एक काफी अच्छा मतलब मीडियम फास्ट बॉलर ऑलराउंडर मिल गया है, ओपनिंग में खेल रहा है और भाई काफी अच्छी परफॉर्मेंस लगातार दे रहा है। इस मैच में रन नहीं बने तो भाई दो विकेट निकाल कर लेगा, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है स्मॉल लीग ग्रैंड लीग हर जगह आप इसे ट्राई कर सकते हो। त्रिपाठी को भाई आप स्मॉल लीग में ड्रॉप करके चल सकते हो, ठीक है, इसे अगर आप ड्रॉप करने का रिस्क लोगे तो इसकी जगह पर आप नीतीश राणा को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इस मैच में त्रिपाठी को नीचे भेजकर नीतीश राणा को ऊपर भेजे, क्योंकि यहाँ पर नीतीश राणा का फॉर्म त्रिपाठी से ज्यादा अच्छा लग रहा है। लगातार दो मैच हो गए जिसमें 30 प्लस का स्कोर नीतीश राणा ने बनाया है। साथ ही भाई इवन मॉर्गन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इवन मॉर्गन को आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, एक टीम में आप सिर्फ एक ही टीम में ट्राई करना, अगर आप 6 टीम बना रहे हो, 10 टीम बना रहे हो, 20 टीम बना रहे हो, जितनी भी टीम बना रहे हो ना आप, सिर्फ एक टीम में आपको इवन मॉर्गन को रखना है, बाकी यानी कि 2-4-5 टीम में आपको इवन मॉर्गन को रखना है, सिर्फ एक टीम में रखो, उसमें सीधा आप इसे कैप्टन बनाओ, वॉइस कैप्टन भी नहीं भाई कैप्टन बनाओ, क्योंकि वॉइस कैप्टन तो फिर भी इसे काफ़ी लोग बना के आ जाएंगे ग्रैंड लीग में रिस्क लेते लेते, लेकिन भाई कैप्टन बहुत कम बनाएंगे, तो कैप्टन आप इसे ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर बात करें कार्तिक की, तो दिनेश कार्तिक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन भाई बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे, तो आप इसे एज ए प्लेयर ट्राई करो, सिर्फ एज ए प्लेयर ट्राई करना ग्रैंड लीग की, चाहिए आप 50 टीम बनाओ, 50 की 50 में आप इसे एज ए प्लेयर ट्राई करना। नारायण को भाई आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, स्मॉल लीग में भी वाइस कैप्टन के काफी अच्छे दावेदार है, क्योंकि अब लगातार विकेट भी निकाल रहा है और रन्स भी बना रहा है, हालांकि बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है तो रन्स की तो आप इनसे उम्मीद कम ही रखना, बाकी विकेट यहां पर निकाल रहा है। और अगर भाई आंद्रे रसल खेलता नजर आएगा तो भाई वो यहां पर लोकी फर्गिसन की जगह पर भी खेलता नजर आ सकता है, क्योंकि लास्ट मैच में इसके मतलब थोड़े से इसे निगल दिख रहे थे, तो अगर ये पूरी तरह से फिट हो जाते हैं तो आपको खेलते नजर आएंगे, अदरवाइज भाई यहाँ पर लोकी फर्गिसन भी बाहर बैठ सकते हैं। बाकी साउथी भी यहाँ पर मतलब इतनी कुछ खास परफॉर्मेंस इसने दी नहीं है, सिर्फ एक विकेट निकाला था, तो अगर भाई लोकी भी फिट रहते हैं तो भाई साउथी की जगह पर आपको यहाँ पर रसल एंट्री करता दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात करें संदीप पोरियर की, तो अगर ये अगला मैच खेलता तो आप इसे ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में भाई आप वरुण चक्रवर्ती को अपनी टीम में जरूर लेना, क्योंकि अब मैं बता दूं 50% लोग वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप करके आएंगे, क्योंकि लगातार 2-3 मैचेस में सिर्फ इसे एक या दो ही विकेट मिले और लास्ट मैच में विकेटलेस रहे, तो इसके लिए मैं आपको बोल देता हूं कि आप वरुण चक्रवर्ती को जरूर से जरूर ट्राई कर लेना। ग्रैंड लीग में आप इसे एज ए मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में एज ए प्लेयर आपकी टीम में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए अब भाई मैं आपको एक डेमो टीम बना के दिखा देता हूँ, जो मैं 2-3-4 मेंबर में मतलब आपको देने वाला हूँ, वो भाई टीम में आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर भाई कोई चेंजमेंट होगा, अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता या कुछ भी अपडेट होती है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल का नाम देख सकते हो आप, यहाँ से सीधा सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर, अदरवाइज भाई लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से आ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, तो दोनों ऑप्शन आपके पास, आप जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो। अब बात करें ऐसे विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो ऐसे लोकेश राहुल को मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ, निकोलस पूरन दिनेश कार्तिक को आप सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करने की कोशिश करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है और ग्रैंड लीग में आपको मतलब काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। और बात करें ऐसे मयंक अग्रवाल अगर खेलते हैं तो भाई हम इसे जरूर ट्राई कर रहे हैं, क्रिस गेल को मैं ट्राई नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ इन्हें ग्रैंड लीग में ट्राई करूंगा, स्मॉल लीग में मैं ड्रॉप करके चल रहा हूं। यहाँ से बात करें नीतीश राणा की, तो नीतीश राणा को मैं अपनी टीम में भाई ट्राई करूंगा, और नीतीश राणा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर भाई खेलता है तो यहाँ से नीतीश राणा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए हो जाएगा, तो आप चाहो तो आप नीतीश राणा को इजीली ट्राई कर सकते हो। और अगर आप नीतीश राणा को ट्राई कर रहे हो ना, तो आप यहाँ से या तो फिर आप यहाँ से राहुल त्रिपाठी को ड्रॉप करो, क्योंकि राहुल त्रिपाठी की फॉर्म काफ़ी अच्छी है, अगर आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो तो आप इसे ड्रॉप कर सकते हो, अदरवाइज भाई आप इसे टीम में ट्राई कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं चलो नीतीश राणा को ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं आपके लिए सेफ टीम बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं जाता हूँ रिस्की टीम से लेकिन मैं आपके लिए सेफ टीम बनाता हूँ, क्योंकि यार मेरा बजट है, मैं अगर हार गया तो मैं अगले मैच में कवर कर लूँगा, जरूरी नहीं कि सभी के पास इतना बजट हो, तो इसीलिए मैं भाई यहाँ पर शुभमन गिल को अपनी टीम में रख रहा हूँ, साथ ही भाई यहाँ से एडन मार्करम हमारी टीम में रहेंगे, और अगर भाई मयंक अग्रवाल
खेलता है तो मैं ट्राई करूंगा। अगर डिफरेंशियल पिक की बात करें तो आप यहाँ से मनदीप सिंह को ट्राई कर सकते हो अगर आप ट्राई करना चाहो तो, ठीक है। बाकी यहाँ से मैं एडन मार्करम को ट्राई कर रहा हूँ, शुभमन गिल को ट्राई कर रहा हूँ और राहुल त्रिपाठी को ट्राई कर रहा हूँ। बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की तो यहाँ से भाई आप वेंकटेश अय्यर को अपनी टीम में जरूर ले लेना। आप भाई आपको ऑलराउंडर सेक्शन में मिल रहा है, अदरवाइज भाई आपको बैटिंग सेक्शन में दिख रहा था। तो वेंकटेश अय्यर काफी अच्छा है और यहाँ से सुनील नारायण आपकी टीम में होना चाहिए। दीपक हुड्डा को आप ट्राई कर सकते हो, या तो आप दीपक हुड्डा को ट्राई कर लो या फिर आप यहाँ से निकोलस पूरन को ट्राई कर लो, क्योंकि गेल को तो मैं बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहा। अगर आप चाहो तो, अगर आपको लगता है कि गेल चलेगा तो आप गेल को ट्राई कर सकते हो, मैं ट्राई बिल्कुल भी नहीं करने वाला, ठीक है। ग्रैंड लीग की अलग बात है, स्मॉल लीग में मैं इसे ट्राई नहीं करूंगा। बात करें बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ से भाई मोहम्मद शमी को आप चाहो तो अपनी टीम में रख सकते हो, अगर आपको सेफ जाना है तो आप अपनी टीम में जरूर रखना। बाकी भाई मैं ड्रॉप करके चलूंगा अभी के लिए, मैं चलो यार आपके लिए मैं मोहम्मद शमी को अभी के लिए पिक कर लेता हूं। बाकी मेरी फाइनल टीम में मोहम्मद शमी नहीं होने वाला, और अगर आप रिस्क ले सकते हो तो भाई आप रिस्क ले लेना मोहम्मद शमी का। मेरे को लग रहा है कि अगले मैच में फ्लॉप होगा, क्योंकि भाई इसके पास इतनी अच्छी स्लोअर वंस नहीं है। काफ़ी अच्छा गेंदबाज है लेकिन भाई ये मतलब स्लोअर वन में इतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको ड्रॉप करके चलने वाला हूँ। लॉकी फर्गिसन को मैं अपनी टीम में जरूर रखूंगा। वरुण चक्रवर्ती हमारी टीम में रहेंगे और यहाँ पर अर्शदीप सिंह हमारी टीम में रहेंगे, या फिर रवि बिश्नोई। या तो भाई आप यहाँ से लॉकी की जगह पर चाहो तो आप यहां से अर्शदीप सिंह को भी ट्राई कर सकते हो, और मोहम्मद शमी की जगह पर आप फिर यहां पर लॉकी फर्गिसन को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मेरे ये चार बॉलर रहने वाले हैं, तो अगर आप चाहो तो आप यहां से लॉकी फर्गिसन को ड्रॉप करके और अर्शदीप ब्रार को ट्राई कर सकते हो, या फिर मोहम्मद शमी को, क्योंकि फिर यार टीम बैलेंस हो जाएगी। यहां पर तीन बॉलर हमने कोलकाता के पिक कर लिए और तीन ही बॉलर भाई फिर हमने यहाँ से अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी और रवि बिश्नोई यहाँ से भाई हमने पिक कर लिए हैं इनके पंजाब के। तो ये भाई मेरी टीम है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, कैप्टन वाइस कैप्टन। स्मॉल लीग में भाई मैं इजीली राहुल को कैप्टन बनाने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी कम लोग अब राहुल को कैप्टन बना के आ रहे हैं, तो अगर आप चाहो तो आप रिस्क ले सकते हो इसे कैप्टन ना बनाने का, लेकिन मैं भाई बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग इसे नहीं बना रहे, तो मैं तो इसे बनाने वाला हूँ। आप अगर चाहो तो आप यहाँ से वेंकटेश अय्यर को भी कैप्टन बना सकते हो, लेकिन मैं भाई कैप्टन यहां पर राहुल को बना रहा हूं। और वॉइस कैप्टन भाई अगर आपको सेफ जाना है ना, सेफ जाने के लिए आपके पास काफी ऑप्शन है, और रिस्क लेना है तो रिस्क की ऑप्शन मैं आपको बताता हूं अभी, जो मेरे को लग रहा है कि इस मैच में काफी मतलब तूफान उठाने वाला है। वेंकटेश अय्यर को वॉइस कैप्टन बना लो, काफी सेफ है। सुनील नारायण को बना लो, काफी सेफ है। और अगर भाई आप मतलब सच में रिस्क लेना चाहते हो तो आप यहां से भाई शुभमन गिल को वॉइस कैप्टन बना सकते हो। ओपनिंग में आएगा, काफी अच्छे टच में है, और मेरे को लग रहा है भाई ये बंदा रन बनाने वाला है। और भाई लगातार मतलब थोड़ी थोड़ी स्टार्ट मिलने के बाद भाई कोई बड़ी पारी नहीं खेल पा रहा, तो भाई ये इस मैच में काफी अच्छी पारी खेल सकता है, तो मैं इसे वॉइस कैप्टन अपनी टीम में जरूर ट्राई करूंगा। आप अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बाकी भाई सेफ वॉइस कैप्टन आपके लिए वेंकटेश अय्यर रहने वाला है। तो ये भाई हमने स्मॉल लीग की टीम बना दी, एक बार मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो ये भाई हमारी स्मॉल लीग की टीम है। अगर आप यहाँ से चाहो तो आप यहाँ से भाई निकोलस पूरन को ड्रॉप करके गेल को ट्राई कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे नीतीश राणा को भी ट्राई कर सकते हो, ये आपके ऊपर आप किसको ट्राई करना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ से अगर आप चाहो तो आप एक एक्स्ट्रा मतलब बॉलर ले सकते हो केकेआर का अगर आप चाहो तो, या फिर आप यहाँ से सुनील नारायण को भी वॉइस कैप्टन बना सकते हो। ये सारे सीनेरियो जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको मतलब एक, मैं कभी भी भाई ये प्रीफर नहीं करता मेरे किसी भी सब्सक्राइबर या किसी भी फॉलोवर को कि भाई वो सीधा कॉपी पेस्ट करे मेरी टीम का। मैं सिर्फ उन्हें सजेशन देता हूं, मैं सारे रिकॉर्ड स्टैट्स सब कुछ निकाल कर दे देता हूं और फिर लास्ट में सजेशन भी दे देता हूं। तो भाई जो मतलब स्टैट्स के बेस पर टीम बनाएगा ना, वो 100% प्रॉफिट में रहेगा, और जो भाई मान लो कॉपी पेस्ट करेगा तो वो भाई प्रॉफिट में भी रह सकता है, लॉस में भी रह सकता है, क्योंकि भाई मेरी टीम काफी ज्यादा रिस्की होती है, ठीक है। यहां से भाई मेरे वॉइस कैप्टन की बात करूं तो मैं यहां पर शुभमन गिल के साथ जाऊंगा तो ये रिस्की हो जाएगा, ठीक है। यहां से मैंने गेल को नहीं, ये रिस्की हो जाएगा। मैं यहां से मोहम्मद शमी को शायद ना लूं अपनी टीम में, ये भी रिस्की हो जाएगा। मैंने यहां से लोकी को ड्रॉप किया है तो ये भी रिस्की है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं मैं काफी ज्यादा रिस्की प्लेयर लेने वाला हूं, और रिस्की प्लेयर मतलब जो मेन प्लेयर है उनको ड्रॉप कर देता हूं। तो मेरी टीम के साथ बिल्कुल सेम टू सेम टीम्स के साथ मत जाया करो यार, क्योंकि मेरा लॉस होता है तो कोई मतलब ना मेरे को बुरा लगता है ना कुछ, और ना मेरे को कोई फर्क पड़ रहा है, लेकिन अगर आपका लॉस हो रहा है तो यार सच में बुरा लगता है, ठीक है। तो ये भाई मेरी फाइनल टीम, आप यहां से स्क्रीनशॉट लेके कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप यहीं पे वीडियो पॉज करके भी जा सकते हो, ठीक है। यहां से वीडियो पॉज करके आप सेम टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। ये
ये मान लो मेरी 99% फाइनल टीम है, बस एक शुभमन गिल को वाइस कैप्टन ट्राई करूंगा, ठीक है। और बाकी अगर कोई प्लेयर मान लो नहीं खेलता है, पर निकोलस पुरन नहीं खेलते, तो भाई इसकी जगह पर मेरे हिसाब से मोइसेस एनरिकेज को जगह मिल सकती है। तो अगर वो खेलता है तो भाई मैं आपको बता दूंगा उसको लेना है नहीं लेना, क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ आपको टेलीग्राम पर अपडेट मिल जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी इस वीडियो के बाद इस मैच से रिगार्डिंग अपडेट आएगी वो मैं टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको काफ़ी फायदा है, यहाँ पर मैं और भी मैचेस कवर करता हूँ, T10 के मैचेस यहाँ पर मैं सारे कवर करता हूँ। तो T10 में अगर आप T10 खेलने में इंटरेस्टेड हो तो आप T10 में भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। सारी टीम सारी वीडियो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और जो जिसको भी वीडियो पसंद आए ना वो एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर करना यार। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।